मेंडू हाय मेंडू, ओह माय गॉड माय आवाज। सो ये जो जगह है ये है मुंबई की लोखंडवाला बैक रोड। यहाँ पे मोस्टली लोग रात को उतरते हैं। मुंबई की रात ऐसी होती है, मतलब यहाँ पे अंधेरा होता है पर रात नहीं होती। कैसे आप सभी लोग, आए हो बहुत बढ़िया, बहुत मजे में होंगे। तो आज दीदी के घर पे है अभी के लिए फिलहाल के लास्ट डे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और गरम गरम खुशबू और तड़के की खुशबू आ रही है। तो देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है ऐसा। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे। बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो आज दीदी क्या बना रहे हो, क्या दिख रहा है? ओ तो यहाँ बनाया जा रहा है वाइट ढोकला। वाह, ओ तो ये अभी अभी गरम गरम तड़का उबलते हुए लश्कारे मारते हुए ढोकले पे सजाया गया है। अब इसके पीसेस होंगे। हाँ ओके, तो ये ऐसे कट किया जाता है और इसके पीसेस ढोकले जैसे बन जाएंगे। आप इसको स्क्वायर्स में काट सकते हो जैसे दीदी कर रही है। तो ये बन गया वाइट ढोकला भाई, कितना डिलीशियस लग रहा है शक्ल से भी और गार्निशिंग के साथ तो अलग ही टेम्पटिंग। ऐसा नाश्ता सुबह सुबह मैं मम्मी को भी जाके बताऊंगा ऐसा। A few moments later. तो अब जाने का वक्त आ चुका है, वापस आने का भी जल्दी। बहुत मज़ा आया मुझे आपके पास और आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ढोकला जाते जाते मैंने खा लिया, हम बस शायद अगली बार खाऊंगा और फेस पैक भी अगली बार ही लगाएंगे। सो अब हीरा नंदानी को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है इस बार के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया और अब चलते हैं, गाड़ी रेडी है। तो अब जा रहा हूँ मैं अंधेरी साइड नेहा दीदी के घर पे, वहाँ पे उनके पास। तो उनसे बात हो गई, तो दीदी से भी मिलना था, उन्होंने बोला आजा बच्चे, तो उनसे मिलते हैं। लेट्स गो मीट सुल्तान। गाइस सुल्तान से मिलो, आया है। हाय सुल्तान, हाय सुल्तान, इधर पहले इधर बैठ जाओ। सो अभी नेहा दीदी घर पे आया, तो यहाँ पे है खाने में गट्टे की सब्जी, साथ में। सो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मैंने पहनी ये टी शर्ट, काफी कूल लग रहा हूँ ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेंडू से मिलने। मेंडू यानी कि मेशा, हम सबकी मुस्कान, आपकी मुस्कान, मेरे लिए तो मेंडू है। तो उनसे मिलने जाना है अभी। फिलहाल नेहा दीदी के यहाँ से था, लंच कर लिया था यहाँ आके आके। तो अब फिलहाल चलते हैं, ऑटो बुक कर लिया है, लेट्स गो फ्रॉम हियर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस मैं कैब में बैठ चुका हूँ और अब पहले मेंडू से मिलने से पहले हम मिल रहे रोहित, कुछ पहले हमारे यहाँ काम करता था मुंबई में। तो उससे मिलने उसका फ़ोन आया कि भैया आपकी याद आ रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मिल लेते हैं उससे भी। और वेरी स्वीट गाय, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा है उसने हमारा एक साल। और जब से मैं भी तो फिलहाल दिल्ली था इतने टाइम से, तो या अभी उससे मिलते हैं। सो गाइस मैं जिससे बात कर रहा था मिलवाने की, वो है ये अपना रोहित। कैसे रोहित? बढ़िया, आप कैसे? बस बढ़िया, याद आती है। तो मैं आपको बता रहा था इसने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा है और ये बहुत अच्छे से रहता है। और रोहित सब कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ऑल वेल, मज़े आ रहे हैं? बहुत मज़े आ रहे हैं। और जल्दी आते हैं मुंबई फिर। तो मेंडू की तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए डार्क चॉकलेट ली है ये वाली, और इसको पैक करवा लिया ऐसे रिबन में, और दो चॉकलेट्स हैं ये वाली लेके अब चलते हैं उनके घर पर। सो गाइस मैं मेंडू के घर आ चुका हूँ, अभी उससे मिलवाता हूँ उनसे। थोड़ा उनको लो फील हो रहा है, शी इज़ नॉट वेल बट फिर भी। सो आप लोगों ने जो है बलून्स देखे है, ग्रूम ग्रूम बलून, जो कि मेंडू का बिजनेस है। एंड दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल, आपने देखा कितने अमेजिंग क्रिएटिवली किए गए हैं। मैं इसका पेज आपको यहाँ दिखा दूँगा। बाकी ये जो बलून्स हैं ये जा रहे हैं करिश्मा कपूर के घर पर। सो या yeah.
सो मैं आपको जैसे बताया था मेंडू पास आया हूँ मैं, और वो ठीक नहीं है, बट फिर भी वो मेरे से मिली और कहती कि यार तू इतनी दूर से आया है तो मिलना तो बनता है, बीमारी तो चलती रहती है, बट उन्होंने कहा मिले बगैर तो नहीं जाने दूंगी, तो मैं उनके पास आ चुका हूँ। मेंडू, हाय मेंडू। Oh my God, my आवाज़, please excuse my आवाज़। आपकी आवाज़ literally मेंडू मेंडू वाली हो रही है। आज नाम justified हो गया तेरा, मेंडू क्यों बुलाते हैं? सही बात है, but यार आप ऐसे बीमार अच्छे नहीं लगते, ठीक है? मुझे लगा कि तू बोल रहा है कैसे भी मैं अच्छी ही लगती। अरे मतलब वैसे अच्छे लगते। वीडियो में कन्विंस किया मुझे आने के लिए ऐसे, मैंने बोला ऐसे लेगा, बोला आप ऐसे भी तो अच्छे लग रहे हो, अभी अभी पलट गया। मेरे कहने का मतलब था वैसे तो अच्छे लग रहे हो पर बीमार अच्छे नहीं लगते, मतलब आप हेल्दी रहो, मेरे कहने का मतलब वो था। और मेंडू सब बढ़िया? बहुत बढ़िया मेंडू, तू मेरे लिए मेरी फेवरेट चीज लाया है, चॉकलेट्स, तो डेफिनेटली अब मुझे ये खाने के लिए ठीक होना पड़ेगा। हाँ। या फिर ऐसा कह सकते हैं ये खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। यही मैं बोलने वाला था कि आप इसकी जैसी एक बाइट लोगे ना जब, तो आप एकदम से ठीक। हाँ तो ये वैसा है कि वो वाली रील चली थी ना, आई विल ईट एंड गेट फाइन, आई विल हैव टू ईट एंड गेट फाइन, वो वाला रील इसमें लागू पड़ता है। हाँ, तो आप ये वाली चीज करना। और आप मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेंडू इज द स्वीटेस्ट एंड द क्यूटेस्ट, एंड इतने सालों बाद काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं जो धीरे 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 वक्त के साथ फेड हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो कभी फेड नहीं होने वाला है। एंड मेंडू ऑलवेज, तरुण ऑलवेज ट्राइज टू कीप दिस बॉन्ड अलाइव, सो थैंक यू फॉर ऑलवेज डूइंग दिस। आपकी साइड से भी हमेशा वो चीज़ रही है, ऐसा नहीं कि मैंने एफर्ट्स करे, तो आपका रिस्पांस भी हमेशा वैसा रहा है कि मन करता है सामने से करने का। तू है इतना प्यारा और क्यूट ना, और आपको देख के थोड़ा बहुत बन जाता हूँ, वो बात अलग है। नहीं नहीं तू है बहुत क्यूट है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है, एंड अभी जो तेरी मैं कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन देख रही हूँ ब्लॉग्स को लेकर, आई रियली वॉन्टेड टू से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू मेंडू, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा मिलके, एंड यू नेवर नो कि क्या पता जल्दी मुंबई की वापसी हो जाए। अरे फिंगर्स क्रॉस्ड, तुम्हारे मुंह में चॉकलेट चॉकलेट विदाउट रैपर, बट यस नहीं, बहुत जल्दी तू आ जाए ऐसा मैं होप कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्या साल में एक बार मुलाकात है ना। यस एंड यस मुंबई कॉलिंग सून। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ खाया मैंने यहाँ पे, और हमने मिल भी लिया मेंडू से, सो अब चलते हैं घर पे, लेट्स गो होम। बाय मेंडू, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो गया मुझे लग रहा है। इनफैक्ट इन शॉर्ट बहुत मज़ा आया, बाय दी, बाय। तो अभी खाना खा के हो चुका है, तो अभी नेहा दी लेके आई है ड्राइव पे मुझे अपनी ब्रांड न्यू कार में, जो कि है स्कोडा। इसका इंटीरियर तो भाई बहुत ही मजेदार है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कार व्लॉगर हूं। हाय, हेलो, आपका डेब्यू है व्लॉग में। मुझे पता नहीं था, बताना चाहिए पहले। ओके, तो हमें आप ड्राइव पे लेके आए हो और कह रहे थे कि कुछ खा के आते हैं मीठा, तो ये कह रही कि सोडा पिलाने लेके चलती हूँ, तो वी आर जस्ट गोइंग, सो मैंने कहा चलो दीदी को भी दिखा दे। गाइस अभी हम आए हैं लव एंड लाते, ये लोखंड वाले की बहुत ही अमेजिंग जगह है, यहाँ पे काफ़ी गेट टुगेदर होता है, लोग आके यहाँ पे चिल करते हैं, जितने भी यहाँ के आसपास रेजिडेंशियल्स हैं मोस्टली एक्टर्स या रिलेटेड टू इंडस्ट्री लोग होते हैं, यहाँ पे आके चिल करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो या इधर हाय हेलो हाय हाय हेलो हाय। सो इनसे मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, तो बट हम पहली बार मिले, मतलब दूसरी आज के दिन में दूसरी बार, बट जनरली पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सो मच। सो ये जो जगह है ये है मुंबई की लोखंड वाला बैक रोड, यहाँ पे मोस्टली लोग रात को उतरते हैं अपना मस्ती करने के लिए, तो अभी भी हम इस गाड़ी पे आए हैं अपने साथ में, और ये है हमारे साथ पीछे WhatsApp, Facebook, Instagram, anything. मुंबई की रात ऐसे ही होती है, मतलब यहाँ पे अंधेरा होता है पर रात नहीं होती, सब लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, गिटार म्यूजिक मैं आपको सुनाता हूँ।
घर पे आ चुके हैं और आई थिंक आपको पता लग गया होगा कितनी मस्ती की आज हमने, कितना सारा धमाल। सो ऐसे ही आप व्लॉग्स देखते रहे यार, मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बिल्कुल भी, ये वीडियो अगर पूरी देखी है तो प्लीज़ बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताना, मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ ऐसे व्लॉग्स। सो तरुण खुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। I'm not afraid to die.